हम लोग जा रहे हैं दुर्वासा पुल पे। वाह, वो भी पैदल। वाह, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे न्यू ब्लॉग में। तो नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और मेरी बहनों और साथ मेरी गर्लफ्रेंडों को। तो गाइस, यहां पे हम जा रहे हैं, यहां पे इतना एक्साइटेड मोमेंट्स होने वाला है कि हम लोग जा रहे हैं वहां पे नदी पे, जिसको देखने के बाद आपके कान से खून की उल्टियां होंगी और आंख से आंसू की नदियां बहेंगी, क्योंकि हम जा रहे हैं नदी पे इस समय। और जैसे दिल्ली सफारी में हमेशा बजरंगी के साथ रहते हैं दो बंदर, तो प्लीज वेलकम द हमारे रजिंदर, जैसा कि रजिंदर ये बने हुए हैं। जैसा कि आज हम लोग जा रहे हैं, मतलब पैदल कहीं पे जा रहे हैं। रोज तो हम लोग जाते थे बाइक या फोर व्हीलर, ऐसे ही कुछ जाते थे, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं पैदल। तो गाइस, सोचने वाली बात है कि हमने धर्मिंदर किसको कहा, हमने आदिल को कहा। जैसे कि पहले वो फर्स्ट ब्लॉक में भी मैंने आपको बताया था कि उनका चश्मा ही उनका एटीट्यूड है, आप देखते रहें और झेलते रहें, उनका चश्मा उतर नहीं सकता। कमेंट्स में कितना भी बोल लो, उनका चश्मा नहीं उतरेगा। तो गाइस, हमारे फ्रेंड जो है वहां पे पहुंच चुके हैं और हम सबसे पीछे, क्योंकि हमें शर्म बहुत आती है, इसलिए हम अकेले जाके कोने में कहीं बोलते हैं। ठीक है, अब जाते हैं हम उन लोगों के साथ, फिर उसके बाद ब्लॉग चालू करेंगे। ठीक है, क्या उम्मीद है? ओ, रुको 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 गाइस, जब तक खाली बैठे हो ना, एक काम कर दो, खाली बैठे हो एक काम कर दो भाई, चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है, इतना काम हम लोगों का कर दो भाई, फिर उसके बाद ब्लॉग आगे का दिखाते हैं। दिल थाम के बैठिए, ज्यादा एक्साइटेड ना होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बीच जो है एक बहुत ही बड़ा नाम आने वाला है यहाँ पे, हमारे धर्मिंदर सर। प्लीज वेलकम द धर्मिंदर सर। ये देखिए धर्मिंदर सर, आप स्टेज पे आइए और दो लाइन बोल दीजिए पब्लिक को। पब्लिक आपका इंतजार कर रही है। हम लोग जा रहे हैं दुर्वासा पुल पे। वाह, वो भी पैदल। वाह, चलिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड मोमेंट है, मतलब हम लोग अगर आपका कान सुनेगा तो कान से खून की उल्टियां होंगी और आग देखेंगे तो आंख, मतलब पानी की नदियां बहेंगी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नदी पे जा रहे हैं घूमने के लिए। यहाँ पे हम लोग तो फंदा वंदा लिए नहीं है, बस फन के लिए जा रहे हैं, फन के लिए जा रहे हैं। काले कौवे कितने हैं भाई वहाँ पे? कमेंट्स में मैंने बताया था, कमेंट्स में आप लोग बताओ कि इसका चश्मा उतारे या ना उतारे। चश्मा भाई हमारी आन और बान शान है, बहुत चश्मा नहीं उतरेगा। एटीट्यूड है इनका, आप देखते रहे और झेलते रहे, है ना आदिल भाई? तो मिलते हैं आगे, तो मिलते हैं आप लोगों को सीधा आगे पहुंचने के बाद। तब तक आप फटाफट चैनल को लाइक कर डालें, ठीक है, हमारा दिल खुश कर दें एकदम बढ़िया वाला। गाइस, यहाँ पे होगा, अब यहाँ पर होगा सबसे पहले खेल। ये जो हम लोग जहाँ पे जाने वाले हैं वहाँ का ये रूट है, जो कि अभी 4 किलोमीटर है लगभग, और पैदल जा रहे हैं हम लोग। देख रहे हैं सबकी हाल, देखिए ये आदिल और हमारे सलीम भाई, ये है हमारे गुरु, और आप तीनों पहचानते ही। गन्ने की खेती हुई है काफी बड़े पैमाने पे हुई है। तो गाइस, जैसा कि हम लोग आप लोगों को एक बहुत ही खतरनाक, मतलब लोकेशन दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो आप पबजी अगर खेले होगे तो जॉर्जो पुल होता है ना, वो देखिए वही पुल है, ये जॉर्जो पुल, ये देखिए सब पार कर रहे हैं। आगे देखना भाई, बंदे कैंप किए होंगे आगे। वो देखो बंदा है, वो बंदा देख लो, वो बंदा निकल गया। तो अब हम भी जा रहे हैं जॉर्जो पुल पार करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है खेत खेताड़ी और ये हमारी बसवाड़ी, और ये देखिए ये ट्रांसफार्म, ये है मतलब ट्रांसफार्म, तो ट्रांसफार्म होता है और क्या होता है ट्रांसफार्म। और इस समय देख सकते हैं आप लोग कि सबसे पीछे हम ही रह गए हैं और बाकी सब आगे। ये देखिए यहाँ पे खंबा वंबा पे लगा नहीं होता है, डेंजरस वेंजरस, इसके आ जाना मना है, वही सब है। और खेत को देख के लगता नहीं कहीं पे होगी आबादी, केवल दिख रही है हम लोगों को बर्बादी ही बर्बादी। यहाँ पे व्यूज आप देख सकते हैं कितना प्यारा आ रहा है, कितना अमेजिंग आ रहा है, बहुत ही ज्यादा प्यारा यहाँ पे व्यूज आ रहा है। ये देखिए, और हमारे फ्रेंड लोग जो है काफी आगे चले गए हैं, तो इसी के साथ हम भी अल्लाह उर्दू बोलो जी। हाँ जी, अरे यार इन्होंने उर्दू ना बोला। क्या पुल है, वाह, ये क्या पुल है बताइए, इस साइड से उस साइड जाने के लिए क्या दिमाग लगाया है इंसानों ने,
हम तो अभी तक सोच रहे हैं कि सिर्फ दिमाग होगा तो हमारे पास ही होगा, लेकिन सबके पास ये दिमाग है। और इस बात ये पेड़ की जड़ों की अगर बात की जाए तो ये पेड़ की जड़ जो है बहुत मजबूत नजर आ, मजबूत नहीं है वो दीवार है। जैसा कि 3 या 4 घंटे का रास्ता हम लोग फाइनली आधे रास्ते पे पहुंच चुके हैं और बहुत ज्यादा गर्मी है। जब हम सुबह को निकले थे तो मतलब मौसम ऐसा था कि डाउन था, सूरज वूरज दिख नहीं रहा था। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुंचे और सूरज बहुत जबरदस्त में दिख रहा है, अपना भाई देखो पीछे जा रहा है एकदम पहलवान है, तो बहुत ज्यादा मतलब मौसम हार्ड है एकदम। हम लोग पसीने से भीग चुके हैं, वहां पे जाएंगे हम लोग ड्रेस चेंज करेंगे और यहाँ पे छीटा ना मारे, छीटा मार देगा भाई, छीटा मार देगा। तो यहाँ पे मतलब हम रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद कुछ खाना पीना होगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि भाई एकदम तो हम लोग थक चुके हैं, हमारे पाँव में इतना जोर नहीं कि जरा सा भी आगे बढ़ सके। तो फ्रेंड तब तक के लिए थोड़ा सा रुके रहो, फिर उसके बाद हम लोग खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, बहुत बड़ा रास्ता है और तकरीबन 4 घंटे का रास्ता है, हम लोग पैदल आए थे ना इसलिए बहुत ज़्यादा दूर हो गया भाई, यही तो आए होते कार से आए होते, यही तो यार मान भाई सब बोल रहे थे कि पैदल चलना है, हम लोग पैदल आ गए। तो गाइस ये है मतलब पेट्रोल पंप और हम लोग की गाड़ी की मतलब एकदम फ्यूल खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग फ्यूल डलवाएंगे। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कुछ गलत लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। फाइनली यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, मतलब 5 किलोमीटर रास्ता अभी और तय करना है, मतलब हम लोग पहुँच जाएंगे। तो घर से हम निकले थे तो तब हमें ऐसा लगता था कि 5 से 6 किलोमीटर होगा हमारे घर से, हम लोग पैदल तय करके यहाँ पे पहुँचे हैं। बस 5 मिनट का रास्ता जो है हम लोग तय करने के बाद सीधा हम लोग उसी पे मिलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हम लोग दुर्वासा घाट पे पहुँच चुके हैं, तो आप उसका व्यूज देख सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग कितना अमेजिंग व्यूज है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए पीछे की साइड का व्यूज देखिए आप, ऐसे मजा नहीं आ रहा है तो बोलो, हम पीछे का बैक कैमरा करके दिखा सकते हैं आपको, ये देखिए। यहाँ पे जब कभी बारिश वरिश होती है फ्रेंड, तो यहाँ पे जब बारिश वरिश होती है ना तो ये पुल इतनी ऊंचाई पे है, नीचा पानी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस समय पानी है, तो ये जो पुल है ये डूब जाता है, इसके ऊपर से यहाँ से पानी जाता है, यहाँ पे क्रॉस होता है। और ये जो मंदिर वंदिर है तो मतलब पूरा पावा हुआ सब डूबा ही रहता है, आज मंदिर भी उस समय पानी से डूबी रहती है उस समय, वहाँ पे देखिए आप। फिलहाल तो अभी नहा रहे हैं, इसमें पानी वानी है नहीं है, देखो छोटे छोटे बच्चे जो हैं यहाँ पे वाले नहा रहे हैं यहाँ पे, अभी पानी नहीं है, अभी मतलब है बरसात तो चल रहा है लेकिन अभी बारिश नहीं हो रही है। तो पीछे की साइड का भी दिखा देते हैं आपको, पीछे के पुल का बैक का दिखा देते हैं। बाद अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो इसी के साथ चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो चलिए एम करते हैं 500 सब्सक्राइबर पे, तो भाई कंप्लीट करा देना, ठीक है, 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देना, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ओके बाय।